गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत ही मुझे मज़ा आ रहा है आज वीडियो बनाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। बड़ा ना बिजी शेड्यूल हो गया है, प्लस लाइट ने इतना कोई खबार किया हुआ है। वीडियो बनाने बैठो, घंटा आती है, घंटा जाती है, घंटा आती है, घंटा जाती है, सारा ना बंदे का मोशन ही टूट जाता है। लेकिन फिर से अब हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यूसली इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी वीडियोज बनाती रहूँ। आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये रिक्वेस्ट मुझे बहुत दफ़ा आई है कि बता दें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरीज पर दिखाती रहती हूँ कि मेरे बाल कितने शदीद किस्म के चिट्टे हो गए हैं। आप मेरे बाल पहले तो चिट्टे चेक कर लें। मेरा जो पूरा यहाँ से सर है ना, बिल्कुल टॉप का पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है ना, क्राउन वाला सेक्शन, ये सारा वाइट हो गया है। और आजकल ग्रे हेयर होना, वाइट हेयर होना बहुत ही कॉमन हो गया है। 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में ही ना लोगों के बाल चिट्टे होने लग गए हैं। मेरी कुछ 26 साल उम्र है और अभी से मेरे बाल इतने ज़्यादा वाइट हो गए हैं, बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन हम इसको कवर कर सकते हैं, आराम से डाई कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हेयर डाई से परफेक्टली आप अपने वाइट बालों को कवर कर सकते हैं, उनको छुपा सकते हैं। क्योंकि ये इशू आता है जब हम अपने वाइट बालों को कवर करते हैं हेयर डाई के साथ, तो वो प्रॉपरली कवर नहीं होते, थोड़े बहुत विजिबल होते रहते हैं आपके वाइट बाल। और इसके पीछे साइंस क्या है, बहुत ही सिंपल सी, इजी सी बात है, गौर से सुनिए जरा आपने। जैसे कि मैं हेयर कलर यूज करती हूँ जी, क्यूने का शेड है इसका 8.3, इसके ऊपर नाम मेंशन है लाइट गोल्डन ब्लॉन्ड। अब लाइट गोल्डन ब्लॉन्ड से आपको पता चल गया होगा कि ये आपके जो बाल हैं उनको ब्राउन की तरफ लेके जाता है, उनको लाइट शेड्स की तरफ लेके जाता है, आपके बालों को ये लाइट करता है। अब भाई आपके जो बाल हैं, वाइट बाल हैं, उनका कलर ऑलरेडी वाइट है, वो ऑलरेडी अपने लाइटेस्ट शेड में हैं, तो अगर आप उस पे 8.3 शेड अप्लाई कर देंगे, ब्लॉन्ड शेड अप्लाई कर देंगे जो कि है आपके बालों को लाइट करने के लिए, तो ये आपके वाइट बालों पर कैसे काम करेगा? ये आपके वाइट बालों पर काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके जो वाइट बाल ऑलरेडी लाइटेस्ट शेड है आपके बालों का, और ये भी आपके बालों को लाइट करने के लिए यूज होता है। तो इस वजह से ये आपके बालों को, वाइट बालों को प्रॉपरली कवर नहीं कर सकता। ये आपके ब्लैक बालों को तो लाइट कर देगा, क्योंकि ये ब्लॉन्ड शेड है, ये आपके बालों को लाइट करने के लिए है, लेकिन ये आपके वाइट बालों को और लाइट कैसे करेगा? हो ही नहीं सकता ना, लॉजिक नहीं है। इसका भी एक सोल्यूशन है कि आप अपने ब्लैक बालों पे तो ये वाला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं डेवलपर के साथ मिक्स करके, लेकिन वाइट बालों को, रूट्स को कवर करने के लिए अच्छे तरीके से, यहाँ पे जो वाइट बाल हैं उनको कवर करने के लिए आपने अपने ब्लॉन्ड शेड के अंदर ये वाला शेड मिक्स करना है। ये है जी क्यूने का 3 शेड और ये है डार्क ब्राउन शेड। अब शेड से पता चल जाएगा ये डार्क ब्राउन शेड है, ये आपके बालों को डार्क करता है। अगर आप इस शेड के अंदर थोड़ा सा ना, आधा चम्मच ये वाला जो शेड है वो मिक्स कर लेते हैं, तो ये आराम से आपके बालों को कवर कर देगा और आपके बाल जेट ब्लैक नहीं होंगे, डार्क ब्राउन नहीं होंगे। आपके जो बाल हैं वो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये और ये जो बाल हैं ये मिलते जुलते ही आपके डाए होंगे, और आपके जो वाइट बाल हैं वो इन दोनों को अगर आप मिक्स करके यूज करते हैं तो आराम से आपके जो वाइट बाल हैं वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने जो हेयर डाई है उसके अंदर मिक्स कर दिया है एक डार्क शेड, जो कि आपके वाइट बालों को आराम से डार्क कर सकता है, कवर कर सकता है। चलें जी अभी डाई को मिक्स करते हैं। पहले मैंने ये कंटेनर ले लिया, ब्रश ले लिया, 8.3 शेड लूंगी क्यूने का, और आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी निकाल लेनी है। बाल अगर आपके ज़्यादा घने हैं तो आपको ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, मुझे इतनी क्वांटिटी इनफ है रूट्स को टचअप करने के लिए। उसके बाद क्यूने का ही 3 शेड लूँगी और इसको मैं मिक्स कर दूँगी उसी के साथ। इसकी हमने क्वान्टिटी थोड़ी सी कम रखनी है, यहाँ पर आप देख लें कि मैं इसकी इतनी सी क्वान्टिटी ऐड कर रही हूँ। अभी इन दोनों को ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी डिवेलपर 20 वॉल्यूम क्यूने का यूज़ कर रही हूँ। 30 भी आपको मार्केट से मिलता है, 40 भी मिलता है, लेकिन 30-40 थोड़े आपके बालों को डैमेज करते हैं, 20 आपके बालों को डैमेज नहीं करता। उसके बाद हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आपने 2-3 मिनट के लिए ना आराम से इसको मिक्स करना है और ये देख लें जब ऐसा टेक्सचर बन जाए तो इसको अप्लाई करें। हेयर डाई लगाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आपने ग्लव जरूर पहनने हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने डार्क ब्राउन मिक्स किया है, ये आपके हाथों पर स्टेन करेगा। अगर सिर्फ ब्लॉन्ड होता तो वो हाथों पर इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, इसलिए ग्लव्स आपने
जरूर पहनने हैं। उसके बाद सेकेंडली आपके जो बाल हैं वो फ्रेशली वॉश होने चाहिए। जैसे अगर आपने आज ड्राई करना है तो आज सुबह में आप अपने बालों को वॉश कर लें, अच्छे से ड्राई कर लें, या फिर आप एक दिन पहले अपने बालों को वॉश कर सकते हैं, अगले दिन आप उनको ड्राई कर सकते हैं, लेकिन आपके बाल जो है ना वो फ्रेशली वॉश होने चाहिए। एक दिन पहले बस आपने उनको वॉश कर लेना है, या जिस दिन आपने हेयर डाई लगाना है उस दिन आपने इनको वॉश कर लेना है। और तीसरी चीज, जब आपने इसको धोना है तो एटलीस्ट 2 दिन आपने शैम्पू यूज नहीं करना अपने बालों में। 3 दिन अगर नहीं यूज करेंगे तो और ज्यादा आपका जो कलर है वो लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने याद रखने हैं। ये वाले जो ग्लव्स हैं ना, ये आपको आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल जाएंगे। आप उनको जाके बोलें कि हमें सर्जिकल ग्लव्स चाहिए, वो आपको ये वाले पकड़ा देंगे। बालों को डाई लगाने से पहले अच्छे तरीके से आपने ना ब्रश कर लेना है, ताकि कोई गुंजले वगैरह ना हो। और ये देखें जी, फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिया, जल्दी से डाई लगा ली। हेयर डाई मैंने लगा लिया है जी रूट्स पे। उसके बाद जो थोड़ा बहुत आपको नजर आ रहा हो ना कि आपकी यहाँ पे कहीं पे लग गया है, सर वगैरह पे आपके लग गया है या कान वगैरह पे लग गया है, तो आप डायरेक्टली टिश्यू के साथ साफ कर लें, या आप थोड़ी सी जो वेजलीन है वो कॉटन के साथ या टिश्यू के साथ यूज कर सकते हैं। आराम से आपका जो डाई होगा ना वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। वैसे ऐसे मेरे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो मैं इसी के साथ ही ना थोड़ा बहुत साफ कर लेती हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने बालों को अच्छे तरीके से टाई करना है, गुच्छू उछू करें, जोड़ा बनाएं और शॉपर डालें। वैसे तो थोड़ा सा प्रोफेशनल मुझे दिखाना चाहिए था, शॉवर कैप मेरे पास पड़ी थी लेकिन मुझे मिल नहीं रही, तो मैं भाग के जाके ये वाला शॉपर लेके आई हूँ। इसमें मेरे जैसे 10 सर आ सकते हैं। और अब मैं अपने बालों को इसके साथ कवर कर दूंगी। शॉपर लगाने का मकसद ये है जी कि आपकी जो रूट्स है ना वो नेचुरली हीट प्रोड्यूस करती हैं, उनमें से हीट निकलती है, तो वो जो हीट है वो अगर आप इस तरह से कवर कर देंगे तो अंदर ट्रैप हो जाएगी और आपके जो बाल हैं वो अच्छे तरीके से जो कलर है उसको पकड़ लेंगे, आपके बालों में कलर अच्छे तरीके से रच जाएगा, बस जाएगा। 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं इनको वॉश करके वापस आती हूँ। शैम्पू आपने नहीं करना, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पे जैसे टिप्स पे मैं कोई भी हेयर डाई वगैरह नहीं लगा रही तो यहाँ पे मैं कंडीशनर यूज़ कर सकती हूँ। कंडीशनर वैसे भी आप रूट्स में कभी भी यूज़ ना करें, अदरवाइज आपके जो बाल हैं वो गिरने लग जाते हैं। बाल मैंने कर लिए हैं जी वॉश, इनको अभी हम एयर ड्राई होने देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से आप अगर देखेंगे ना तो आपको ऐसा कलर लग रहा है कि जैसे बिल्कुल जेट ब्लैक किस्म का कलर आ गया है, लेकिन जैसे ये ड्राई होंगे, अभी वेट है ना इस वजह से आप लोगों को कलर इस तरह का लग रहा है, लेकिन जैसे ये ड्राई होंगे इनका जो कलर है वो जिस तरह से मेरी टिप्स का कलर था उन्हीं के करीब करीब ये वाला कलर आ जाएगा। थोड़ा सा डार्क कलर होता है, लेकिन जैसे आप इसको एक आधी दफा वॉश करते हैं तो आपकी टिप्स का कलर और रूट्स का कलर मैच हो जाता है। तो इनको ड्राई करके उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह के दिख रहे हैं। ओके जी, तो बाल मेरे ड्राई हो गए हैं, आपको मैं दिखा भी देती हूँ। यहाँ से आपको मैंने बिफोर भी दिखाया था कि मेरे कितने ज्यादा व्हाइट बाल थे। अभी आप देखें किसी किस्म के आपको व्हाइट बाल नजर नहीं आ रहे होंगे। इस वाले सेक्शन में, ये जो क्राउन वाला सेक्शन था, इसके अंदर बहुत सारे व्हाइट बाल थे, लेकिन बिल्कुल बहुत ही अच्छे से व्हाइट बाल सारे कवर हो गए हैं। और मेरी जो रूट्स का कलर है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ब्लॉन्ड को मिक्स किया था डार्क ब्राउन के साथ, उसकी वजह से मेरा जो रूट्स का कलर है वो लाइट ब्राउन सा आया है, ताकि मेरी जो रूट्स हैं और टिप्स हैं वो आपस में मैच करें। बाकी जो सारी की सारी डिटेल्स हैं वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो के अंदर समझा दी हैं अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइस सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर दें। आई लव यू गाइस सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें।